Hey guys, welcome back to another video and welcome to another episode of Ark Primal Fear Ragnarok Map. तो ये है day 89 अपने 100 video challenge का. और guys आप लोगों को याद होगा last episode में हम लोगों ने team किया था ये Buffen Ferox. इसका कलर थोड़ा सा अगर आप लोगों को different लग रहा है तो उसकी कहानी ये है कि वो पुराना वाला मर गया था, मैं origin मारने गया था and attack के वो मर गया, जो कि मैं भाई हो जाता है कभी कभी तो क्या ही बताऊं. तो मैं दूसरा team करके लेके आया था एंड ये भी काफी अच्छा है. और भाई आप लोगों ने इसका एक्स वाला बटन का जो अटैक बताया भाई, मैंने लास्ट वीडियो में जरूर बोला था ये ज्यादा अच्छा डायनो नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको यूज किया भाई वन ऑफ माई फेवरेट डायनो भाई, बहुत ज्यादा कमाल है. क्योंकि अभी अपने पास अल्फा फिनिक्स भी नहीं है तो अभी ना ये बेस्ट डायनो मेरे को काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है. लेकिन गाइस आज के एपिसोड में हम लोग टेम करने वाले हैं सेलेस्टियल फेरॉक्स. एक्चुअली क्या है, मैंने दो सेलेस्टियल फेरॉक्स देखे हैं और मैं उनको आज टेम करने वाला हूँ भाई. सबसे पहले अपन लोग बुलेट बनाएंगे उसके बाद उसको टेम करेंगे. तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं इस मजा एपिसोड को. स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब करें. अपना गोल है 1000 सब्सक्राइबर का, तो फटाक से जाकर सब्सक्राइब करना. लाइक एम है 50 लाइक्स का, मुझे पता है आप लोग कर दोगे तो फटाक से जाकर लाइक भी करना. और अभी तक जिसने भी डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया वो लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना. और भाई अपने 19 मेंबर्स हो गए हैं डिस्कॉर्ड पर, उसके लिए थैंक यू. तो स्टार्ट करते हैं इस मजा एपिसोड को, लेट्स गो गाइस. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने अपने डायनो दिखा देता हूँ क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे. तो ये देखो, ये अपना एपेक्स वाला एजेंट है, वैसे ये अपना मालिन है, ये अपना फोर आर्म्स है क्योंकि आपने इसका नाम बताया तो मैंने रख दिया इसका नाम, काफी अच्छा नाम है. सिकोन भाई मैंने इक्रस देख लिया, इक्रस काफी अच्छा गेम है. और भाई ये अपने डोडो है जो कि अपने लोगों को अंडा देते हैं, ये फीमिया जो अपने लोगों को पोटी देती है मतलब खेती के लिए. ये गैली है जो मैंने पकड़ लिया था, उधर अपना ऑटर है जो कि अल्फा ऑटर है भाई, इसकी स्पीड ओफ वो. और ये पूरा बेस अभी बनने में टाइम लगेगा. और हाँ, बेस बन रहा है तो फिर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, जो अपने मेंबर्स हैं उनके लिए मैंने कुछ स्पेशल सोचा है. जैसे देखो मैं ना इस बेस में तीन जगह बनाने वाला हूँ और तीन जगह के अलग अलग नाम होंगे, तो मैंने सोचा तीनों मेंबर्स के लिए अपन लोग ये नाम रखते हैं. ठीक है, पहला भाई अपने बी फ्रेंडली भाई के लिए फ्रेंड जोन, दूसरा वाला या अपने मॉन्स्टर भाई के लिए मॉन्स्टर जोन, और तीसरा गौरव भाई के लिए गौरव जोन. ऐसा करके कुछ नाम रखेंगे. तो आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा मेरा ये आइडिया. बाकी मैं आप लोगों को अपने सारे डायनो दिखाता हूँ, पहले अपने मालिन पे चलते हैं भाई. तो यहाँ से शुरू करते हैं, ये अपना गीगा जो कि नॉर्मल वाला है, बाकी अपने ये खतरनाक वाले सारे डायनो यहाँ पे ताकि वो मेरे को अंडा देते रहे भाई, कि अंडे की काफी ज्यादा जरूरत होती है. एक एक करके सारे डायनो दिखाता हूँ. ये एक अल्फा एजेंट एपिस है, ये अपना एपेक्स थेरी है जो कि लकड़ियां काट के देता है. ये नॉर्मल रेक्स है, ये भाई अल्फा गीगा है जो कि काफी मजेदार है. बाकी आप लोगों को दिखाता हूँ, तो ये अपना एपेक्स वाला रेक्स, ये भी काफी अच्छा है भाई. ये एक मेगा रैप्टर है, ये दिख नहीं रहा होगा, अच्छे से दिखाता हूँ भाई. ये एक मेगा रैप्टर है, ये अपना एल्डा फिनिक्स है, अल्फा वाला मर गया था भाई. और ये एक एपेक्स अपना थॉर्नी ड्रैगन है, ये ओमेगा सार्को है. तो ये है अल्फा डोइडेकस, ये है अल्फा पेटाडॉन, पीछे एक अल्फा पेटाडॉन, ये है भाई फेवरेट वाला जो हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम पे पकड़ा था, क्या ही धांसू लगता है. ये है मेरा फेवरेट भाई अपना मैमोथ, क्या ही धांसू लगता है. इसका नाम रखा मैंने जम्बो और इसका नाम रखा मैंने पिजियोट, बाकी के नाम आप लोग बताते रहना. ये एपेक्स वाला स्पाइनो है और इसके ऊपर एक और ब्राचियोसॉर है जो कि अल्फा वाला है. तो ये अपने बाकी के डायनो है. और ये है अपना कानो, एपेक्स वाला कानो है. और भाई इसको मैंने स्किन दे दिया ओरिजिन वाली, क्या शानदार लगता है. तो गाइस अभी चलते हैं, अभी अपन लोगों को टेम करना है अपना सेलेस्टियल फेरॉक्स. उसके लिए अपन लोगों को पहले बुलेट चाहिए और ये अपना जो बेस है भाई इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. और भाई क्या हुआ पता है, लाइट नहीं आ, वो लाइट कह रहा हूँ मैं, इंटरनेट नहीं था भाई एक दिन से पूरा. तो मैंने डिस्कॉर्ड पे किसी को अगर आंसर नहीं दिया उसके लिए सॉरी, कमेंट लेट रिप्लाई किया उसके लिए सॉरी. और भाई ये बेस वगैरह कुछ भी तैयार नहीं हो पाया और जैसे तैसे वीडियो अपलोड होगी. और भाई थैंक यू सो मच भाई, आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए भाई, थैंक यू सो मच. कमेंट देख के ना हमेशा खुशी होती है मेरे को. सबसे पहले अपन लोग बुलेट बनाते हैं और यहाँ से निकलते हैं बुलेट बना. पहले मेरे को क्या गन पाउडर बनाना पड़ेगा आज ना भाई, मेरे को सेलेस्टियल फेरॉक्स देखना और बिफिन फेरॉक्स को आप लोगों को दिखाता हूँ भाई. और गाइस कभी कभी ये गलती हो जाती है, देखो मेरे पास एपेक्स वाला इतना सारा नारकोटिक है, मेरे को प्राइमल वाला बनाना है, लेकिन उसके लिए मेरे को पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा यार. तो चलो एक मिनट देना मेरे को, मेरे पास कुछ है नार्कोटिक, मैं नार्कोटिक लेके आता हूँ और जल्दी से बुलेट बनाते हैं और फिर टेम करके सेलेस्टियल फेरॉक्स. और हाँ इसकी एबिलिटी दिखाता हूँ भाई, बहुत ज्यादा कमाल है. एक मिनट देना मैं पहले बुलेट बनाता हूँ फिर आप लोगों से मिलता हूँ. ओके गाइस तो मैंने बुलेट्स बना लिए हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. अपने पास 127 है प्राइमल वाली, आई थिंक इतने से कोई भी डाउन हो जाएगा. और फेरॉक्स को ले लेते हैं क्योंकि दिखाना भी तो भाई प्राइमल को ये कैसा मारता है. इसका एक्स वाला बटन बहुत ज़्यादा कमाल है, मतलब एक्स वाला अटैक जो कि आप लोगों ने कमेंट करके बताया भाई बहुत ज़्यादा ही कमाल है. और मैं मालिन को नहीं लेके जाने वाला, मैं लेके जाऊँगा रुडोल्फ को क्योंकि रुडोल्फ ना ज़्यादा बढ़िया लगता है मेरे को. जब मैं टीम का आता हूँ ना मेरे को रुडोल्फ ज़्यादा पसंद है, इसको लेके चलते हैं.
गाइज तो ये है अपना सेलेस्टियल फेरक्स जो कि 290 का, तो चलो इसको टेम कहते हैं। और पता नहीं गाइज वीडियो में जब मैंने देखा तो 3060 काफ़ी लैग कर रहा था, वैसे इतना लैग नहीं करता। आप लोगों ने स्ट्रीम में भी देखा तो आप लोग देख सकते हो, जो भी 3060 लेने की सोच रहे हैं भाई आपका आर्क प्राइमल फियर ऐसा चलेगा, आप लोग देख लो। लेकिन वो एपिक सेटिंग में था और ये अभी हाई पे चल रहा है, 1650 है ये भाई। यार ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसको टीम करने में बैंड बजने वाली है। मैं ना थोड़ा दूर ही रहूँगा क्योंकि भाई ये देखो आइस वाला बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये आइस वाला एरिया अपनी पूरी हेल्थ चली जाती है और थोड़ा सा दूर जाओ तो इसको गर्मी लगती है भाई। मैं पता बर्फीले वाले कपड़े पहना हूँ, मतलब बर्फीले इलाके वाले, फिर भी इसको सर्दी लग रही है भाई। अब इनसे ज़्यादा अच्छा मैं क्या लेके आऊँ अभी। गाइस मेरे को 2 मिनट देना, मैं इसको टेम करता हूँ, इसके बाद दूसरा वाला सेलेस्टियल फ्रॉक्स दिखाऊंगा मैं भाई। सारे मार दिए इसने, देखो कितने सारे डायनो मर गए हैं भाई, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसको टेम करने में टाइम तो लगने वाला है। गाइज इसको टेम करने में ऊपर लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम, तो एक काम करते हैं अपनी गन थोड़ी अपग्रेड कर लेते हैं। मैं ना थोड़ा सा सैप लेके आया था, मैं आप लोगों को जगह दिखाता हूँ, वहाँ से अपन लोग सैप लेंगे फिर इसको अपग्रेड करेंगे, उसके बाद टेम करेंगे। क्योंकि इसका 2.3 मिलियन का टॉल पर है भाई, इससे तो अपनी बैंड बच जाएगी भाई। एक टेम नहीं हो पाएगा, दो कैसे टेम करेंगे भाई। तो हाँ मैं जल्दी से अपना सैप ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे सैप लेने आया था, मैंने लगा दिया, यहाँ से लेके चलते हैं ठीक है। तो ये है अपनी सैप, तो जिनको नहीं पता सैप कैसे लेते हैं आप लोग देख लो भाई, थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऐसे लटक लटक के जाना पड़ता है भाई सैप निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जल्दी से सैप लेते हैं भाई, मेरे को बहुत सारा सैप चाहिए, उसके बाद अपनी गन अपग्रेड करेंगे ठीक है भाई। यार बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जल्दी से निकालता हूँ, मैंने बहुत सारे लगा दिए तो हाँ जल्दी से मिल जाएगा सैप अपन लोगों को। यहाँ से फिर चलते हैं, ओके गाइस तो मैंने यहाँ से सैप ले लिया, अभी चलते हैं अपनी गन को अपग्रेड करेंगे, उसके बाद मस्त सेलेस्टियल फेरक्स को टीम करेंगे। A few inches later. गाइस तो फाइनली मैंने अपनी गन अपग्रेड कर ली है, चलो देखते हैं अभी ये कितने का डैमेज देती है। वैसे इसका काफी टॉल पर गिर गया, 5 लाख गिर गया, लेकिन 2.3 मिलियन है यार। मैं थोड़ी बुलेट और बना के लेके आ गया था क्योंकि इसको मेरे को टीम करना ही करना भाई। और भाई यार इसको टेम करने के बाद अगर दूसरा सेलेस्टियल फेरक्स मिल गया तो मजा आ जाएंगे, अपने पास 2 सेलेस्टियल फेरक्स हो जाएंगे भाई, मज़ेदार। लेकिन यार एक ही आ जाए, मैं पहले ये सोच रहा हूँ भाई इसका टोर पर बहुत ज़्यादा भाई, मेरे को ना ओरिजिन वाले एरो बनाने पड़ेंगे। एक बार सेलेस्टियल फेरोक्स आएगा फिर ओरिजिन को मारा करेंगे, उसके बाद अपन लोग बनाएंगे ओरिजिन एरो। चलो 2 मिनट देना इसको टेम करते हैं, फिर मैं आप लोगों को बेफिन फेरोक्स वर्सेस सेलेस्टियल फेरोक्स दिखाऊंगा ठीक है। चलो 1 2 3 लेट्स गो। नहीं यार मालिन, जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल भाई मालिन, जल्दी चल जल्दी चल। हे भगवान यार मेरे को पहले अपनी लूट लेनी पड़ेगी, हे भगवान मैं ऊपर था यार, चीटिंग है मेरे साथ, चीटिंग हो रही है यार। जल्दी 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 भाई। ओके कोई नज़र नहीं आ रहा मेरे को भाई, पता वो यहाँ से चला गया है मार के हमें। नाइस भाई, अच्छा बच्चा है वो, खौफ है भाई, भाई का खौफ है। चलो मालिन जल्दी चलो, मालिन भाई जल्दी चलो यार, लेकिन कपड़े फटे गए अपन लोगों के यार। मालिन तेरे पास कुछ है भाई? इसके पास बहुत कुछ है यार भाई, तेरे पास प्राइमल ब्लड वगैरह भी है यार, क्या इसको मैंने को छोड़ के आना पड़ेगा। गाइस एक मिनट देना, इसको छोड़ के आता हूँ मैं, इसके पास बहुत सारी चीजें हैं भाई। A few inches later. भाग बेटे भाग, भाग के जाएगा कहाँ, रुक जा तेरे को बताता हूँ भाई। भाग तो मतलब फेरोक्स की स्पीड काफी अच्छी है भाई, मजाक से हट के इनको हिट करना ना सच्ची में बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं हिट करेगा, एक मिनट देना गाइस। ओ
भाई 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 कहाँ गिर गया? अरे नहीं यार भाई, मेरे पे आओ, उससे दूर रहो भाई। नहीं यार, उससे दूर रहो, उससे दूर रहो यार। नहीं 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 नहीं, इधर 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 ग्रिफिन, ग्रिफिन के बच्चे इधर। गुड भाई, मेरे को मालिन निकालना पड़ेगा। कोई है मेरे पास? अच्छा, अरे हाँ मेरे पास भी है, फेरॉक्स फेरॉक्स फेरॉक्स। भाई जल्दी 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 बचा लो, जल्दी 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 सभी को लाओ, सभी को। भाई यहाँ कोई नहीं बचना चाहिए, बस एक कोई नहीं चाहिए मेरे को, कोई भी नहीं। भाई सभी को उड़ा दो यार, फेरॉक्स भाई सभी को उड़ा दे, कोई नहीं बचना चाहिए यहाँ पे, एक भी नहीं। ओके गाइस, भाई ये सेलेस्टियल है? नहीं, ये सेलेस्टियल कैसे आ रहा है यहाँ पे? रुको 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 भाई, ये सेलेस्टियल कैसे आ रहा है यार? ये भगवान यार, ये कितनी गंदी जगह गिरा है। प्लीज 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 भाई, कहाँ मार रहा है यार? ये तो देख ले यार, बफेन कल सही जगह मारो भाई। ओह शिट, ओह भाई कोई ब्लास्ट मार रहा है यार। कौन ब्लास्ट मार रहा है? ब्लास्ट कौन मार रहा है, मेरे को ये देखना है। एक मिनट एक मिनट, इसको तो मैं बचाया हूँ। सही जगह यार, सही जगह मारना बफेन भाई। यार इसकी हेल्थ इतनी है नहीं, ड्रामे कर रहा है। नहीं नहीं यार, नहीं मैं मर गया भाई। शिट भाई, नहीं यार। मालिन भाई जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी 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 भाई, इस बार लग गए यार, कैसे भी करके मेरे को टीम करना है। और मौसम हो गया है सर्दियों का, नाइस। तो गाइस एक मिनट देना, वहाँ पे चलते हैं। इतनी ज़्यादा सर्दी क्यों है? यहीं तो थे अपन लोग, यहीं थे यहीं थे यहीं थे यहीं थे। कहाँ है भाई? गिरा गिरा, फेरॉक्स 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 मेरे पीछा, फेरॉक्स मेरे भाई, फेरॉक्स मेरे पीछा, फेरॉक्स। नहीं उतरा क्यों भाई तू? उतरना नहीं है, उतरना नहीं है। फेरॉक्स अटैक 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 अटैक। इस सेलेस्टियल को छोड़ना नहीं है, इस सेलेस्टियल की। भाई यार फेरॉक्स इज ओपी भाई, 5 मिलियन का भाई, 5 मिलियन का अटैक दिया है। सॉरी मेहमत भाई, बस 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 बच्चे शांत 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 शांत, बस शांत हो जा मेरे भाई, शांत हो जा भाई। क्या खतरनाक है फेरॉक्स। जल्दी जल्दी जल्दी, पहले मेरे को उसको नहीं, ये पहले पहले मेरे को अपनी लूट उठानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें गिब्बल है। जल्दी 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 भाई, ये भी यहीं पे आके गया है सेलेस्टियल। तेरे को और कोई जगह नहीं दिख रही थी सेलेस्टियल? पहले मैं ना जल्दी से अपना सेलेस्टियल टीम कर लेता हूँ भाई, मैं नहीं चाहता मेरे सेलेस्टियल को कुछ हो जाए। जल्दी 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 इसको गिब्बल खिलाओ भाई, पता नहीं कहीं से कोई भी आ रहा है सेलेस्टियल गिब्बल। नहीं नहीं नहीं, ये कौन था? मैंने तेरे को स्टॉप कर तो दिया था, ये क्या हुआ भाई यार? क्या था भाई ये? नहीं चाहता मैं दूसरा फेरॉक्स टीम कर लूं भाई। तू जा, तू मेरी टीम में नहीं है भाई, तू जा यार, मेरा मूड खराब कर दिया भाई। भाई यार मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरे डायनो ना सारे के सारे ऐसे ही हैं, मतलब सारे डायनो ऐसे हैं भाई, अब क्या ही कर सकते हैं गाइस। मेरे को ये बताओ यार, मेरे पास यार अब गन भी नहीं बची यार, सारी गन तो मैंने उड़ा दी थी यार, सारी बुलेट्स उड़ा दी मैंने यार, अपनी गन बोल रहा हूँ मैं अभी, कुछ भी बोल रहा हूँ, सारी मैंने बुलेट उड़ा दी थी। फिर भी यार यार पूरा टॉप पर गिराने के बाद ऐसा हुआ है भाई, क्या करें भाई, कुछ क्या ही बात है यार। एक ही बफिन फेरॉक्स मिला था मेरे को सेलेस्टियल वाला, फिर भी यार यही यही मेरे साथ होता है। ये कौन है भाई? अब बफिन नेमलेस भाई, ये भी मेरे को कमज़ोर ही लग रहा है यार, इसको क्या टेम करना है यार। भगवान यार भाई, ये सेलेस्टियल फेरॉक्स यार आ जाता तो क्या मज़ा आता अपनी टीम में। ये बफिन फेरॉक्स चाहते नहीं है अपनी टीम में सेलेस्टियल आए भाई, इसने जानबूझ के किया है भाई, कोई बात ही नहीं थी भाई, मैंने स्टॉप भी कर दिया फिर भी इसने अटैक किया है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार डायनोस को, पूरा टॉप पर गिरा तो उसके बाद भी कोई ना कोई प्रॉब्लम कर ही देते हैं। A few inches later. ओ भाई शिट, सेलेस्टियल रेक्स। ओ भाई सेलेस्टियल रेक्स, ये भगवान। अब मेरे को ये चाहिए गाइस, मेरे को नहीं पता मेरे को ये चाहिए भाई, भाई मेरे को गन बनानी पड़ेगी, बट मेरे को ये चाहिए यार कुछ भी करके। गाइस एक मिनट देना भाई, मैं बुलेट बना के लेके आता हूँ भाई, सेलेस्टियल रेक्स। ओह माय गॉड शिट भाई, शिट भाई भाई भाई, सेलेस्टियल रेक्स टीम करेंगे अपन लोग, मज़ा आ जाएगा भाई। सेलेस्टियल, ये कौन ओरिजन है? ओ भाई साहब ये देखो, ये तो ब्रोंटो से भी बड़ा है यार ओरिजन रेक्स, कितना शांति से खड़ा है भाई, है ना। A few inches later.
गाइस तो फाइनली अपन लोग आ गए हैं, और आप अगर आप लोग देखोगे तो मैंने कॉस्ट्यूम चेंज किए हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे कॉस्ट्यूम है। अभी अपन लोगों को टेक डाउन करना है एक सेलेस्टियल रैक्स को और इसको टेम करना है। देखो मेरे पास अभी 167 से ज़्यादा बुलेट हैं और अपनी गन का जो डैमेज है वो 312 है। चलो देखते हैं क्या हम लोग इसको टेक डाउन कर पाते हैं, यानी इसकी बॉडी बड़ी है और ये स्लो भागेगा तो फिर हाँ अपन लोग इसको ईजिली टेम कर पाएंगे, बस इसके अटैक वगैरह ना हो। भाई ये एक रैक्स है और वो भी सेलेस्टियल वाला, मेरे को तो अभी से डर लगता है भाई। गाइस 2 मिनट देना है, इसको टेम करता हूँ भाई, मज़ा आएगा गाइस। अपने पास सेलेस्टियल रैक्स होने वाला है भाई, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सेलेस्टियल रैक्स, ओ माय गॉड, अपना पहला सेलेस्टियल सेलेस्टियल रैक्स होगा गाइस, मैंने नहीं सोचा था भाई। ओ माय गॉड, कहाँ है ये, कहाँ है मेरा सेलेस्टियल रैक्स भाई? इससे दूर भी रहना है क्योंकि एक बार अपन लोग सेलेस्टियल फेरक्स से भी मर चुके हैं, मैं नहीं चाहता रैक्स भाई अपन लोगों को मार दें। चलो ट्राई करते हैं। गया 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 फाइनली गाइस, जाने वाला भाई, जाने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है भाई। सेलेस्टियल रैक्स को भगा रहा हूँ मैं एक सेलेस्टियल रैक्स को भगा रहा हूँ। ओ माय गॉड भाई, और सेलेस्टियल रैक्स, ओ माय गॉड गाइस, सेलेस्टियल रैक्स, ओ भाई भाई भाई, बस ये यार इसकी सेडल बनानी पड़ेगी। जल्दी 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 टीम हेल्प, जल्दी जल्दी जल्दी, वाह मेरे को सेलेस्टियल रैक्स चाहिए गाइस। तो फाइनली अपने पास है सेलेस्टियल रैक्स, ओ माय गॉड दिस इज द अमेजिंग भाई। रैक्स मेरे पीछे आना, रैक्स मेरे पीछे आना भाई भाई भाई, रुको रुको, अपन लोग इसको अभी राइड नहीं कर सकते, लेके लेकिन लेकिन बाकी डायनो की बैंड बजा। ओ भाई स्पीड है भाई, बंदे की स्पीड है भाई सेलेस्टियल आखिरकार। चलो भाई, चलो गाइस देखते हैं क्या होता है अपना, चलो भाई देखते हैं क्या करता है अपना रैक्स। रैक्स, ओ माय गॉड, ये इसका अटैक है भाई, सब गए भाई, सारे के सारे डायनो गए भाई, क्या खतरनाक है गाइस। ये है अपना सेलेस्टियल रैक्स, बस भाई क्या ही शानदार लग रहा है। एक मिनट देखने दो इसके पास क्या क्या आ गया, बतेरी तो इसने चीजें ले रखी हैं भाई। इसका 60 लेवल अभी से हो गया, वाह यार ये अच्छी बात है। इसका स्टैमिना क्यों कम हो रहा है भाई? रैक्स रैक्स भाई, इसने लगता कोई एबिलिटी ऑन करके रखी है, इसका स्टैमिना कम हो रहा है। पावर डाउन कर देता हूँ, अच्छा पावर डाउन और पावर ऑन करना पड़, पावर अप करना पड़ता है। नाइस, अभी मैंने पावर डाउन कर दिया, अच्छा पावर अप था वो, क्या दाजू लगता है। चलो इसको लेके चलते हैं अपने बेस पे, और इसकी मेरे को शेडल बनानी है। आई थिंक अपन लोग बना लेंगे, थोड़ी सी हाइट तो होगी मेरे पास, मैं ना काफ़ी सारे सेलेस्टियल मारे हैं भाई, प्लीज हाइट होनी चाहिए गाइस, मुझे हो जाएगा इसको चलाने का। ओके गाइस, तो ये है सेलेस्टियल रैक्स की शेडल। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, सेलेस्टियल रैक्स, ये सब क्या है, इंडो की है, अच्छा ठीक है, सेलेस्टियल रैक्स की सैडल मिल गए। अभी पता है मैं अपना बॉयफ्रेंड फेरॉक्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा, और चलो डॉल्फ को ही लेके चलते हैं। और इन दोनों को क्यों लेके जाना भाई, मैं अपने रैक्स को लेके आया क्या? ये कौन है भाई, ये कौन है? डार्क ग्रिफिन, डार्क ग्रिफिन नहीं चाहिए मेरे को, मेरे को अपना रैक्स चाहिए। रैक्स 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 भाई, दुनिया भर की इसने सैडल दे दी भाई, क्या मस्त है। रैक्स बाहर आ, ओ फीमेल है भाई, लेकिन सेलेस्टियल के अंडे ही नहीं होते भाई, क्या फ़ायदा। गाइस कुछ भी बोलो, अपना सेलेस्टियल लगता तो मस्त है, और अपना बेफिन फेरॉक्स भी अच्छा लग रहा है। सेलेस्टियल फेरॉक्स कुछ टाइम बाद टेम कर लेंगे, अभी इसका अटैक दिखाता हूँ एक्स वाला। वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी एक और बात दिखा देता हूँ जिन लोगों ने नहीं देखा। और भाई इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, और हाँ अगर आप लोगों ने बताया था कि स्प्रिंट करके इससे मारो ना तो बहुत अच्छा डैमेज देता है, मैंने ट्राई किया भाई, सच्ची में इसका डैमेज बढ़ता जाता है, जब जैसे इसकी स्पीड बढ़ती है वैसे इसका डैमेज बढ़ता है। तो हाँ भाई कोई अच्छी जगह चलते हैं भाई ट्राई करने के लिए भाई। अभी मैं आप लोगों को फेरॉक्स का एक्स वाला अटैक दिखाता हूँ भाई, बहुत अच्छा है। एक बॉम्ब फेंकता है और भाई पूरी जगह क्लीन कर देता है भाई, मिलियंस में अटैक जाता है। यहाँ पे कोई डायनो होगा तो वो तो गया, लेकिन भाई देखो पूरी जगह साफ कर देता भाई, ये बहुत मस्त है। लेकिन हम लोग यहाँ इसके लिए थोड़े आए हैं, हम लोग तो आए हैं अपने रैक्स के लिए। रैक्स कहाँ है मेरा, रैक्स 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 भाई, रैक्स जल्दी आओ भाई। ये है अपना सेलेस्टियल रैक्स भाई, क्या ही धांसू लगता है। ओ माय गॉड, पहले इसका लेवल अप कर देते हैं, और अभी इसकी 1.6 मिलियन है, मैं कर देता हूँ भाई बढ़ा देते हैं इसकी, और 20 मिलियन कर देते हैं हेल्थ, ठीक है। उसके बाद डैमेज,
अब और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, डैमेज चाहिए, स्पीड भी नहीं चाहिए भाई तेरे से, डैमेज चाहिए मेरे को, डैमेज दे दो भाई जितना। और हाँ, इसका स्टेमिना भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये पावर अप का था भाई, तो स्टेमिना भी मैंने बढ़ा दिया। अब इसको जल्दी से मैं एक पेस्ट खिला देता हूँ ताकि इसकी हेल्थ फुल हो जाए। ये रहा मेरा पेस्ट, और चलो भाई मस्त, अब ट्राई करते हैं गाइस इसका अटैक। भाई 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 कितना ज़्यादा बड़ा है, लेफ्ट अटैक से बाइट अटैक है, राइट अटैक से, ओ ये भी कुछ छोड़ता है भाई। और सी से क्या है भाई, सी से ये गोला है, ओके ठीक है, अब मेरे को समझ में आ गया ये वाला गोला सी से है भाई, क्या धांसू है भाई देखो मस्त। एक्स से क्या कहते हो सर, एक्स से ये कुछ नहीं कहता। अच्छा सर पावर अप किससे कहता भाई, अभी देखो अभी दिखाता हूँ ये पावर अप किससे कहता है, कंट्रोल प्लस सी से ये पावर अप करेगा। ओ माई गॉड, लेकिन इसमें स्टेमिना बहुत ज़्यादा जाता है इसका, मेरे को तो डैमेज ही बढ़ाना है भाई। स्टेमिना देखो कितनी ज़्यादा जल्दी जा रहा है ना, लेकिन पावर अप करके इसका डैमेज बढ़ जाता होगा। चलो देखते हैं भाई, इधर मैं सी वाला अटैक करता हूँ, ये वाला प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, देखते हैं कितना। ओ भाई साहब पूरी जगह साफ कर दी भाई, नाइस यार मस्त है। और ये मेरे को सिर्फ प्रोटेक्शन भी दे रहा है, राइडर डिफेंस देता है, तो मेरे को कोई उतार नहीं पाएगा, नाइस। लेकिन इसको मेरे, इसके लिए मेरे को इसको पावर अप करना पड़ेगा भाई, ये है तो इसका स्टेमिना भी मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। एक मिनट मैं क्या इसको एक दो पोजिशन दे सकता हूँ, ये वाले लार्ज बाल हैं भाई सारे दे दो, इसका स्टेमिना भी बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये मेरे को प्रोटेक्शन देगा ना, तो स्टेमिना अगर कम हो गया तो अपन लोग घिस जाएंगे भाई। अच्छा अभी इसीलिए स्टेमिना वाला ब्रू काम आता है, अभी मेरे को समझ में आया। नॉर्मल डैमेज कितना भाई तुम्हारा, नॉर्मल डैमेज 1 मिलियन भाई, ये क्या डायनो है भाई। अब मेरे को एक प्राइमल ढूंढना है भाई, प्राइमल तो मारेंगे भाई, एक प्राइमल मारते हैं ठीक है, चलो एक प्राइमल मारते हैं, आ जाओ रेक्स एक प्राइमल मारेंगे। A few inches later. Guys, मेरे को कोई प्राइमल तो नहीं मिला, लेकिन प्राइमल टैग जरूर मिले हैं। देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, इधर है एक प्राइमल टैग स्टैको जिसको हम लोग मारने वाले हैं, और प्राइमल भी मिल गया भाई, मेरे को पता है भी मिला नहीं था, ये जस्ट अभी स्पॉन हुआ है। तो चलो अपना सी वाला अटैक देखते हैं भाई। यार मैं बस अपने रैक्स को खोना नहीं चाहता, ये मेरा लकी रैक्स है, मतलब सेलेस्टियल रैक्स है भाई। पेटाडॉन गया, माइक्रोरेप्टा गया, और स्टैगो भी गया, ये प्राइमल टैग वाला था ठीक है, तो 1 मिलियन हेल्थ तो होगी इसकी। अभी देखते हैं प्राइमल कानो आने वाला है, उसको देखते हैं गाइस वो कैसा रिएक्ट करता है भाई, बहुत तेज भागते हुए आ रहा है भाई। लेकिन प्राइमल कानो की हेल्थ बहुत है, और कुछ हेल्थ नहीं है भाई इसकी, क्या हेल्थ है इसकी, इसको तो मैं ही मार दूंगा, ये हमारे अटैक से गया है ना, ये भी एक प्राइमल टैग है, हाँ भाई प्राइमल टैग है। अभी इसको बताते हैं भाई, रैक्स इतने भी बेकार नहीं होते तैने में। अभी ये गया गाइस, प्राइमल तो गया, इसकी बैंड बजानी है भाई, 1 मिलियन का मारते हैं हम लोग वाइट अटैक। लेकिन ये पता है ये भी हमें वो दे देगा, क्या बोलते हैं ब्लीडिंग इफेक्ट दे देगा, जिससे हमारी हेल्थ मिलियंस में जाएगी भाई। ऊपर क्यों नहीं आ रहा, ऊपर आना रैक्सी, रैक्सी नहीं यार, रैक्सी नहीं भाई, समझा कर यार, रैक्स मजे मत ले भाई। हाँ चलो इसको बताते हैं भाई, नहीं भाई नहीं यार, नहीं ये मेरे को ब्लीड इफेक्ट दे देगा, ब्लीड इफेक्ट दे देगा, ब्लीड इफेक्ट दे देगा, मेरा ना आपने आपको पावर अप भी नहीं किया। लेकिन गाइस एक प्राइमल की तो बैंड बजाती भाई, अपन लोगों ने प्राइमल को बिना पावर अप किए मार दिया भाई। अभी रुको एक टैग भी नज़र आ रहा है मेरे को, ये वाला इसके पास जाके मैं पावर अप करूँगा, यहाँ से पावर अप नहीं कर रहा मैं ना, यहाँ से पावर अप करना बेकार है भाई। तो गाइस पहले अपन लोग करेंगे पावर अप, लेट्स गो। अब बारी है इस प्राइमल टैग स्टैगो के मरने की भाई, देखते हैं कितना डैमेज जाएगा, मेरे को देखना है कितना डैमेज किया भाई, कितना डैमेज किया भाई, डैमेज ही नहीं पर समझ आ रहा मेरे को। रुको इसके पास एक रे अटैक भी तो है, तो इसकी रे देखते हैं कितने की जाती है ठीक है। 1 2 3 लेट्स गो, आने दो डैमेज। ओ भाई रे अटैक भाई इसका बहुत मस्त है, सच्ची बता रहा रे अटैक इसका बहुत अच्छा भाई। इन सबको पहले मैं उड़ाऊंगा भाई, यहाँ से हटो भाई, पावर अप किया है तुम्हारे भाई ने भाई, पावर अप करने के बाद 1 मिलियन मार रहा है भाई, मस्त है ये तो यार, नाइस भाई। तो गाइस आज के एपिसोड में बस इतना ही, हम लोग सेलेस्टियल फेरॉक्स टीम करने वाले थे, लेकिन अपन लोगों ने सेलेस्टियल रैक्स टीम किया जो कि बहुत ज्यादा ही कमाल है। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, मिलते हैं ऐसे एक मजेदार एपिसोड में, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई। हाँ भाई डिप्लो तुम्हें भी मार खानी है क्या।